हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम ये फंडामेंटल एनालिसिस FY20 का करेंगे। ये पूरे एक साल का एनुअल फंडामेंटल एनालिसिस होगा और जहां पर भी हमें डाटा को कंपेयर करने की जरूरत होगी प्रीवियस ईयर से, वो हम कंप्लीट एक साल के डाटा यानी कि FY19 के डाटा के साथ में करेंगे। हम ये फंडामेंटल एनालिसिस पाइथ्रोस की स्कोर के थ्रू करेंगे। पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में यदि आप ज्यादा नहीं जानते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता चलूंगा। पाइथ्रोस की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टूल को डेवलप किया और आज दुनिया के बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं, क्योंकि इस टूल में किसी भी तरह से फंडामेंटल एनालिस्ट का सेंटीमेंट का यूज नहीं होता है और कोई भी कंपनी को जो भी क्राइटेरिया वो फुलफिल करती है उसके लिए एक पॉइंट मिलता है, और यदि कंपनी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो उसको जीरो पॉइंट मिलता है। इसमें 9 क्राइटेरिया का टेस्ट होता है और कंपनी जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है उसको 9 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। कोई भी कंपनी जिसका स्कोर 7, 8 या 9 होता है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती है, और कंपनी जिनका स्कोर 5, 6 या 7 होता है वो एवरेज फंडामेंटल कंपनीज कहलाती हैं। वो कंपनी जिनका स्कोर 3 से नीचे होता है या 3 होता है वो कंपनीज को हम पुअरली फंडामेंटली पुअर कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इस एनालिसिस की। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज में हम इन 9 क्राइटेरिया को डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरिया होते हैं, लीवरेज में 3 क्राइटेरिया और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी से, जिसमें कि है 4 क्राइटेरिया, और देखते हैं वो क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से कंपनी ने इसमें परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कंपनी की जो नेट इनकम है करंट ईयर में वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए और हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी की जो सालाना आय थी, नेट इनकम थी, वो 534.90 थी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में मार्च 2020 का डाटा है और सेकंड कॉलम में मार्च 2019 का डाटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने 534.90 करोड़ की इनकम जनरेट की, जो कि पॉजिटिव है, और इस तरह से कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी हमें ये देखना है कि यदि कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है वो 9.40% है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा सबसे पहले कॉलम में बॉटम में 9.4%, तो इसमें भी एक पॉजिटिव रिटर्न ऑफ एसेट है, तो हम कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। इस तरह से कंपनी ने अब तक 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अब हम आते हैं इसके तीसरे क्राइटेरिया पर, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है कंपनी का इस साल में वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं, हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के उसका जो कैश फ्लो है वो डाउनलोड किया और देखा कि इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है और 504.22 करोड़ रुपए है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो शीट है ये लैक्स में है और हमने उसको कन्वर्ट कर करके इसको करोड़ में बना दिया है। तो आप देख सकते हैं ये है 50,422 लैक्स, इसका मतलब हुआ 504.22 करोड़। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव करंट ईयर का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, तो ये 1 पॉइंट कंपनी को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए था। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया पर। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी जो अभी हमने थर्ड क्राइटेरिया में जो कैश फ्लो देखा ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इट शुड बी ग्रेटर देन द पॉजिटिव नेट इनकम विच वाज इन द फर्स्ट क्राइटेरिया। तो
हमें ये देखना है कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो थर्ड क्राइटेरिया में है वो पहले वाली इनकम से ज्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 504.22 करोड़ है, जबकि नेट इनकम है वो 534.90 करोड़ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 504 करोड़ और जो नेट इनकम वो 534 करोड़, तो यहाँ पर कंपनी को इसमें पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि कैश फ्लो ज्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलता है 3 पॉइंट और हमारा पहला राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट। और इस तरह से हम अब इसका स्कोर बोर्ड पर अपडेट करते हैं और कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स पहले राउंड के बाद में। एक अच्छा खासा इसने परफॉर्मेंस दिया है पहले राउंड के बाद। अब आते हैं हम दूसरे राउंड में, दूसरी कैटेगरी जो कि है लीवरेज, जिसमें 3 क्राइटेरिया है। देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करेंट ईयर, यानी कि जो करेंट ईयर में जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो कम होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। फ्रेंड्स, अब हम जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी में हम लीवरेज में और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में अब हमको डाटा को कंपेयर करना पड़ेगा पिछले साल से। तो यहाँ पर जहाँ पर भी वर्ड हायर और लोअर की बात हो, इसका मतलब है कि हमको वो डाटा को कंपेयर करना है पिछले साल के डाटा से। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा कम होना चाहिए, यानी कि कंपनी का लीवरेज कम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा है कि कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है और कंपनी का किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म रेशियो लास्ट ईयर भी नहीं था और इस साल भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम कंपनी को पूरा 1 पॉइंट देते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में लीवरेज के, जो कि है हायर करंट रेशियो, अर्थात करंट रेशियो जो है वो ज्यादा होना चाहिए लास्ट ईयर की अपेक्षा। देखते हैं क्या हुआ है इस साल। इस साल जो करंट रेशियो है वो 1.98 हो गया है, जबकि लास्ट ईयर ये 1.48 था। ये आप डाटा में देख सकते हैं, 1.48 से 1.98 हो गया है और ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर कंपनी को मिलता है पूरा 1 पॉइंट क्योंकि इसने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। अब जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया है वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर्स रिलीज किए हैं तो वो एक प्रकार से शेयर डाइल्यूशन कहलाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कंपनी कोई नया शेयर इक्विटी शेयर इशू करती है किसी भी साल में, तो वहां पर उसको इस क्राइटेरिया में 0 पॉइंट मिलता है। तो हम देखते हैं कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो इसके लिए हम कंपनी की वेबसाइट पर गए और वहां से हमने इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा। वहां पर हमने देखा कि कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं मिला कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया हो। इस प्रकार से कंपनी को इस क्राइटेरिया में भी मिलता है 1 पॉइंट। और इसमें लीवरेज में एक बहुत ही अच्छी बात हुई है कि कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। और इस प्रकार से ये जो दूसरा राउंड खत्म हुआ है, कंपनी में इसको मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी ने जो अब तक स्कोर किया है 2 राउंड के बाद वो किया है 6। एक बहुत अच्छी स्कोरिंग अभी तक कंपनी ने कर ली है 2 राउंड के बाद में। और अभी कंपनी को 2 ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाली कैटेगरी में 2 क्राइटेरिया और हैं, वो देखते हैं कि क्या कंपनी उनमें स्कोर कर पाती है और कितना स्कोर कर पाती है। तो देखते हैं वो कौन कौन से 2 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक ही चीज होती है। तो हम देखते हैं कि लास्ट ईयर कंपनी ने 24.69% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इसने किया था और इस बार ये बढ़ करके 27.25 हो गया है। ये आप देख सकते हैं 24.69 से 27.25% हुआ है। और इस प्रकार से कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और मिलते हैं कंपनी को पूरे 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया पर, 9वां क्राइटेरिया, और देखते हैं उसमें कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ पर है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं क्या हुआ। लास्ट ईयर जो इसका एसेट टर्नओवर रेशियो था वो 56.12% था, जबकि इस साल ये कम हो गया है और 54.44% हो गया है। तो यहाँ पर कंपनी इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाई है और हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर
जीरो पॉइंट। तो इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है एक पॉइंट, और हम मेन स्क्रीन में जा करके इसको अपडेट करते हैं और देखते हैं कि तीसरे राउंड के बाद में जो कंपनी का स्कोर है वो हुआ है 7। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर करती है तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने FY20 के फंडामेंटल एनालिसिस में ये करके दिखाया है और बताया है कि ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि आगे के क्वार्टर्स में इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाने की कोशिश की या इसको अच्छा बिजनेस मिलता है तो डेफिनेटली इसके शेयर्स काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।